हाय एवरीवन, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं ऑटिज्म में बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं। उनको जितना ज़्यादा हम विजुअली चीज़ें दिखाएंगे उतना जल्दी वो लर्न करते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही जल्दी डेवलप होती है। तो अब मेरे स्टार्टिंग में मैं बड़ा कंफ्यूज थी कि यार फ्लैश कार्ड मैं कैसे बनाऊँ, क्योंकि मार्केट से मैं 2-3 पैक्स तो ले आई, अब कितने पैक्स लूँ। वन पैक कॉस्ट में अराउंड 120 रुपीज़, कोई 150 रुपीज़। अब उसमें मेरी पसंद की सारी फोटोग्राफ्स हों वो भी ज़रूरी नहीं है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, ये जो कार्ड्स होते हैं तो मैंने उस पर सिंपली पेस्ट कर दिया पेपर, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे क्योंकि उसका ध्यान भटकने लगा, वो पीछे देखता तो उसकी अटेंशन इतनी नहीं बनी। देन आई रिमेम्बर स्टेशनरी शॉप्स पर ये मोटी वाली शीट्स इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, मैंने ये परचेज की। उस पर जो भी मुझे उसको सिखाना है उसकी पिक्चर कट की और इसको कट करके पेस्ट कर दिया। This is how I made flash cards. तो देखते हैं ये flash card हम easily घर पर कैसे बना सकते हैं। मैंने already, क्योंकि अब मैं उसको sports कराने वाली हूँ, तो मैंने sports की pictures आप easily print out ले सकते हैं। market में charts available हैं, आप वो purchase करते हैं, 5-10 rupees का एक chart आता है, उसमें there are so many charts, so many varieties, मैं maximum वही purchase करती हूँ और उनमें से pics cut कर करके इस तरह से flash card बना लेती हूँ। ये sheet को मैंने already card की जो मुझे size चाहिए वो ले लिया है, उसमें मैंने इस तरह से उसको लिया और सेलो टेप से मैं पेस्ट कर दूंगी, चिपका दूंगी, तो लैमिनेशन का काम हो जाएगा। बिकॉज अगर हम एक एक कार्ड को मार्केट में जाके लैमिनेट कराएंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेडेक है और साथ ही साथ वो बजट में भी नहीं रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रहता। दिस इज हाउ आई मेड फ्लैश कार्ड्स। तो बहुत ईजिली बन जाते हैं, बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स आप ईजिली बना सकते हैं। लाइक दीज आर ऑल मैंने जो वर्ब एक्शन वर्ड्स हैं, सिटिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, कि उसको समझ में आए कि ये होता क्या है। इस तरह से फ्लैश कार्ड बहुत सारी वैरायटी के आप इजीली घर पे बना सकते हैं। मेरे पास ये क्वेरीज आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है आई कॉन्टेक्ट के रिगार्डिंग, कि हम बच्चे का आई कॉन्टेक्ट कैसे इंक्रीज करें, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो आई थॉट सबसे पहले मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ रही हूँ आई कॉन्टेक्ट के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।